आज का विषय है निर्जला काशी के जल संबंधी 11 नियम। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की काशी को निर्जला काशी और भीमसेनी काशी कहते हैं। इस दिन जल का सेवन नहीं करते। इस काशी के व्रत को रखने से सभी काशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जल का खास महत्व माना गया है। आओ जानते हैं कि इस काशी के दिन जल संबंधी 11 नियम क्या है। नंबर 1, इस काशी के दिन बिना जल के व्रत करें। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी काशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार निर्जला काशी व्रत में सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्य उदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों में यह भी लेख मिलता है कि आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। नंबर 4, जो लोग गौदान नहीं कर पाते वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह जगह पुआल लगाने और लोगों को पानी पिलाने से पुण्य फल प्राप्त होता है। नंबर 5, इस दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व है। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। नंबर 6, इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 7, यदि आप उपरोक्त पार नहीं कर सकते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। काशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का भी व्रत रहता है। अपने समर्थ के अनुसार अन्न वस्त्र जल जूता छाता फल आदि का दान करें। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन कलश में जल भर कर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी काशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पौधा रोपण कर उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।